फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रोम मेमोरी के बारे में, मींस रीड ओनली मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी की ही एक टाइप है। आज हम रोम के टाइप्स, करैक्टरिस्टिक्स और इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग बैक टू बेसिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ रोम। रोम क्या है? रोम एक मेमोरी डिवाइस है जो कि डाटा और प्रोग्राम्स होल्ड करती हैं परमानेंटली। ठीक है, नॉन वोलाटाइल इन नेचर होती हैं ये। इसमें जो भी डाटा एंटर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही राइट किया जाता है। मींस जब भी रोम चिप मैन्युफैक्चर होती है तभी उसमें प्रोग्राम राइट कर दिया जाता है जो कि इरेज नहीं होता। ठीक है, इसमें जो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या, ट्रैपिंग और ट्यूनिंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट हम ये भी बात करेंगे कि बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है और रोम का इसमें क्या रोल है। इसके बाद हम बात करते हैं कि रोम चिप जो है ये सिर्फ कंप्यूटर में यूज़ नहीं होती, ये और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव ओवंस, कैलकुलेटर मशीन्स, इन सब में एक रोम चिप्स होती हैं। ठीक है, जो पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड होती हैं कि इस बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो ये मशीन यहाँ से स्टार्ट होगी, कैलकुलेटर का ये बटन प्रेस करेंगे तो क्या फंक्शन होगा, ये सब रोम चिप में पहले से ही प्री प्रोग्राम्ड होती हैं। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है नॉन वोलाटाइल। जो हमारी रोम मेमोरी होती है ये नॉन वोलाटाइल होती है। एक बार जो भी डाटा इसमें इंफॉर्मेशन होल्ड कर रही है ये, वो इरेज नहीं होता अगर पावर ऑफ भी हो जाए, मींस परमानेंटली स्टोर रहता है डाटा इसमें। सेकंड है रीड ओनली। जो हमारी रोम है ये रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, इसमें हम रीड कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, पर इस पर हम राइट नहीं कर सकते। राइट, स्टोरेज, इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली। परमानेंटली इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। इट्स स्पीड इज स्लोअर देन रैम, ये रैम से स्लो है। नेक्स्ट है कोस्ट। द प्राइस ऑफ रोम इज़ कंपेरेटिवली लो। अगर हम रैम के साथ कंपेयर करें तो इसकी कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है रोम की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है चिप साइज़। जो फिजिकली इसका हम अगर साइज़ मेंशन करें रोम का, ये जो रैम चिप है हमारी वो लार्ज होती है एज़ कंपेयर टू रोम चिप। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ डज़ रोम वर्क ड्यूरिंग बूटस्ट्रैपिंग, कि बूटस्ट्रैपिंग के दौरान रोम कैसे वर्क करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बात की थी बूटस्ट्रैपिंग की, जो हमारे पास रोम होती है वो प्रोग्राम होल्ड करती है जो कि हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, उस सिस्टम को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं। अभी हम आगे इसका फर्दर बात करेंगे कि उसमें रोम क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बात की, जो हमारा रोम है ये वो प्रोग्राम होल्ड करती है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को और हार्डवेयर्स को स्टार्ट करने में चाहिए होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और इसे हम बूट लोडर भी बोलते हैं। जो ये प्रोग्राम होता है ना इसको बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और बूट लोडर। जब भी हमारा सिस्टम जो है कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस लोड हो जाता है रैम पे और सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करता है कि चेक करो कि सारे कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर को चाहिए वो अवेलेबल हैं और वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, ये प्रोसेस जब चल रहा होता है तो हमारे सिस्टम से आवाज़ आ रही होती है घी घी की, है ना, ऐसे कुछ साउंड सी आती है। मींस वो चेक करता है सीपीयू कि जो भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर को चाहिए वो अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट। ठीक है, ये है बेसिक रोम का फंक्शन।
कि कैसे रोम करती है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रोम की टाइप्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है MROM मींस मास्क रोम। नेक्स्ट PROM प्रोग्रामेबल रोम। थर्ड है EEPROM मींस इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। फोर्थ वन इज EEPROM मींस इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। इसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे MROM के बारे में मींस मास्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये सबसे पहली और इनएक्सपेंसिव रीड ओनली मेमोरी है। MROM में जो भी डाटा स्टोर होता है, जो भी प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं रोम चिप में, वो मैनुफैक्चरिंग के दौरान ही स्टोर होते हैं, ठीक है। उसको हम इरेज नहीं कर सकते और न्यू एंट्री भी नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे PROM के बारे में। PROM मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जैसे एम मास्क में क्या था कि मैनुफैक्चरिंग के टाइम पे ही उसमें जो भी डाटा है वो एंटर होता है, ठीक है। जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन है वो राइट होती हैं, पर PROM में मैनुफैक्चरिंग के टाइम वो मेमोरी बिल्कुल ब्लैंक होती है और यूज़र उसमें डाटा या इंस्ट्रक्शन राइट करता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। अब बायर ने बाय तो कर ली PROM, अब जो भी उसको डाटा चाहिए वो उस पर राइट करेगा, किसकी हेल्प से? PROM प्रोग्रामर और PROM बर्नर के हेल्प से, ठीक है। ये डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से आप PROM में क्या है अपना डाटा राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बार ही हम इसमें डाटा राइट कर सकते हैं, बार बार हम राइट उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डाटा राइट करने को? बर्निंग द PROM को हम क्या बोलते हैं? बर्निंग द PROM। ये हम इरेज नहीं कर सकते, मतलब एक बार अगर जो डाटा एंटर हो गया वो हो गया, उसको हम इरेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे EEPROM के बारे में, मींस इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये जो मेमोरी है इसको हम इरेज करके अपना न्यू डाटा इसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हम इसमें डाटा राइट करेंगे वो हाई वोल्टेज पे होगा और इसमें डाटा तब तक रहेगा जब तक इसको हम अल्ट्रा वायलेट लाइट के हेल्प से डाटा को इरेज, अल्ट्रा वायलेट लाइट के एक्सपोज में आएगा तभी इसमें से जो है डाटा रिमूव होगा, इरेज होगा, ठीक है। अगर हमने इसको डाटा को इरेज करना है तो अल्ट्रा वायलेट लाइट इस पर पास करेंगे थ्रू क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो के थ्रू, ठीक है। ये आप पिक्चर में देख सकते हो, एक छोटी सी विंडो सी बनी हुई है, यहाँ पर आप अल्ट्रा वायलेट लाइट डालेंगे तो उसकी हेल्प से इसमें जो भी डाटा है वो इरेज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जो जब भी हम इसका नॉर्मल यूज़ करते हैं तो इस पर एक स्टिकर लगा रहता है इसको सील करने के लिए, ठीक है। जब भी हमने इसको इरेज करना है तो वो स्टिकर उतार के इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट हम फ्लैश करेंगे जिससे जो डाटा है इरेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है EEPROM Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory। ये इसका जो ऑपरेशन प्रिंसिपल है वो तो सेम ही रहेगा जो EEPROM में था, ठीक है, इरेज करना है डाटा, बट इसमें जो प्रोग्राम करना है वो डिफरेंट है। इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट की जगह पे हम इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं अपने प्रोग्राम डाटा को, ठीक है। यहाँ हम किसी भी लोकेशन पे, मतलब कोई भी लोकेशन हमने उठा ली, कोई भी डाटा हमने, कोई स्पेसिफिक डाटा हमने उसमें से रेज करना है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये फ्लेक्सिबल तो है और स्लो है, ठीक है, क्योंकि वन बाइट ही एट ए टाइम इरेज होती है, राइट। ये तो थी फ्रेंड्स आज रोम के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।